वेलकम टू माय चैनल। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने वही सेम एग्जांपल यानी जो मेन क्वेश्चन सेम था उसका सेकंड पार्ट स्टडी कर रहे हैं, इसलिए एग्जांपल का नंबर 1 ही रखा है। ठीक है, इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में भी हम थर्ड पार्ट इसका हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं फंक्शंस। जैसे आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया बेसिक क्या है, वो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर स्टडी कर लीजिए, उसमें आपको सारा नॉलेज मिलेगा। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में हम फंक्शन को किस तरह से ये प्रूव करेंगे कि दोनों को माइनस करने से ये आता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या प्रूव किया था, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू जीरो, यानी प्लस साइन रखा था तो जीरो हमने प्रूव किया था, वो आप लेक्चर देख लीजिएगा। इसमें हम स्टार्ट करते हैं अभी LHS इक्वल्स टू, पहले लिखना है आपको, एग्जाम में भी आपको यही मेथड है कि आपको LHS पहले लिखना होता है, उसके बाद f of x आपको दिया हुआ है। देखो यहां पे, क्योंकि फंक्शन के क्वेश्चन में हमेशा फंक्शन की वैल्यू दी होती है, पर क्या होता है इसमें कि f of x दिया है आपको, इसका वैल्यू नहीं दिया है, तो ये हम लोग फाइंड आउट भी बाद में कर लेंगे, किस तरह से करना है आपको समझा भी दूंगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको जो दी है वो हमें यहाँ पुट करनी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, जो वैल्यू दी है वही वैल्यू हमने यहाँ पे डाली है, माइनस साइन तो माइनस साइन। अब एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स आपको पूछा है, यानी f of 1 upon x आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है जो वैल्यू हमें चाहिए, यानी कि यहाँ पे 1 upon x दिया है ब्रैकेट के अंदर, जो भी आपको ब्रैकेट के अंदर देते हैं वो ही आपको ये दोनों x के बदले लिखना है, यानी कि रिप्लेस करना है। सो वी विल रिप्लेस दीज टू x, इन दोनों x को रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, और क्या रखेंगे उसके बदले, जो ब्रैकेट में दिया है ये पूरा का पूरा, यानी 1 अपॉन x, यानी क्या होगा 1 अपॉन x में ये दोनों जगह रखूंगा वो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन x 1 प्लस 1 अपॉन x। ये आपको चीजें मैं क्यों इतना स्ट्रेस करके समझा रहा हूं, अभी तो आपको इजी इजी लग रहा है, पर इसमें फंक्शन में थोड़े हार्ड सम जब हम देखेंगे उस टाइम पे आपको ये नहीं पता लगेगा कि इसकी वैल्यू किस में डाल ली है, इसलिए आपको मैं एकदम उस तरह से प्रिपेयर कर रहा हूं। अब देखिए इसको मैंने लिखा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस साइन माइनस साइन। अब एलसीएम का कॉन्सेप्ट, तो एलसीएम के कॉन्सेप्ट में हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था और आज के लेक्चर में भी वही मेथड हम लोग रिपीट करेंगे कि इसके डिवाइड में 1 के डिवाइड में अभी कुछ नहीं है तो 1 आपको मानना है, यहां भी 1 के डिवाइड में 1 आपको मानना है। अब इसे और इसे यानी डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है, तो मैं इस 1 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू 1 x होगा और ये दोनों सेम हो जाएंगे, बट यहां पे x से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कंपलसरी, उसी तरह से यहां भी x से मल्टीप्लाई होगा इधर भी x से मल्टीप्लाई होगा। अब क्या बनेगा देखो, x into 1 x x into 1 x minus sign 1 upon x x into 1 x x into 1 x plus 1 upon x। तो देखो आप देखोगे कि मेरे चैनल में हमेशा स्टेप बाय स्टेप मैथ सॉल्व होता है, भले वीडियो का लेंथ ज्यादा होगा चलेगा, सभी बच्चों को, चाहे बच्चा कमजोर है पढ़ाई में चाहे बच्चा स्कॉलर है, सभी को समझ आना चाहिए, इसी टारगेट से मैं वीडियो बनाता हूँ। थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि शायद स्लो पढ़ा रहे हैं, बट वो सभी बच्चों को मैं टारगेट रख के पढ़ाता हूँ। अब देखिए एक्स और एक्स, अब ये दोनों सेम, अब इसमें मिस्टेक कहाँ होती है आपको समझा। अब बच्चे क्या करते हैं, ये दोनों x को कैंसिल कर देते, इसको भी इसको कैंसिल कर देते हैं, अभी कैंसिल करोगे तो फिर तो वही जो था वही आएगा ना, ऊपर 1 था 1 और ये 1 तो वो 1 1 ही आ जाएगा,
इसलिए आपको फिर कैंसलेशन यहां नहीं करना है, ध्यान देना। अब ये हमारा स्टेप आया, अब इसको फिर से लिखते हैं, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, माइनस साइन, माइनस साइन। अब ये जो लाइन में कर रहा हूं डिवीजन की लाइन है ये वाली, अब देखो ये दोनों एक्स 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 सेम है, तो एक बार लिखा x माइनस वन, एक्स प्लस वन, इतना है। अब आपको x x को कैंसल करना है, समझ जाओ ये बात। फंक्शन में वैल्यू डालते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद आपको इन दो कॉमन डिनोमिनेटर लिखने के बाद आपको कैंसल करना है, यानी ये x और ये x कैंसल होगा, ठीक है, और कुछ कैंसल दूसरा नहीं करना है। अब ये लिखते हैं हम लोग 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, माइनस एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन। अब देखो ध्यान देना, अभी इसको, अब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, देखो ये जो है वो ही ये है, 1 प्लस एक्स लिखो, ये एक्स प्लस वन लिखो, आंसर तो सेम आएगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, यानी मैं लिख दूंगा इसको एक्स प्लस वन लिख देता हूँ कॉमन में, आप चाहो तो 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए 1 x प्लस 1 लिखा, क्वेश्चन में तो 1 प्लस एक्स दिया है, तो मैं 1 प्लस एक्स लिखता हूं, चलो क्वेश्चन में जो दिया है उस हिसाब से लिख देते हैं। अब 1 माइनस एक्स, माइनस की साइन है, प्लस नहीं है, माइनस है, तो जब माइनस होता है तो फिर ब्रैकेट में आपको ये चीज लिखनी है, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि माइनस होता है तो साइन चेंज होता है, तो ब्रैकेट में नहीं लिखना है, तो आप डायरेक्टली फिर साइन चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस एक्स, अच्छा ये मैं पूरा लिखता हूं पहले, 1 प्लस एक्स लिख दिया, अब 1 माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 1। अब क्या होगा, अब इसमें देखो ये हो जाएगा, यहां पे करते सॉल्व, 1 भी दो बार है, x भी दो बार है, तो ये हो गया 2 प्लस 2x, सॉरी 2 माइनस 2x डिवाइड में 1 प्लस x। देखो 1 प्लस 1 2 और माइनस x माइनस x माइनस 2x। अब इसमें दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाला, अब मल्टीप्लिकेशन में हो गया 1 माइनस x और 1 प्लस एक्स, 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, कॉमन लिया, 2 को अलग लिख दिया, 1 माइनस एक्स बचा, 1 प्लस एक्स बचा, अलग बनाया। अब 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स जो है वो एक्चुअली क्वेश्चन है, यानी कि अब मैं क्वेश्चन में तो इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स दी है, इसलिए मैं अभी एफ ऑफ एक्स यहां लिखूंगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। मल्टीप्लीकेशन का साइन आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो हम इसको बना देंगे 2f of x, so this is your RHS, ठीक है, तो LHS equals to RHS आपका आंसर। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका थर्ड पार्ट लूंगा, यानी ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, यानी फर्स्ट एग्जांपल हमारा ओवर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल में ऑलमोस्ट सभी टाइप का एप्लीकेशन आप सीख लोगे। So thanks for watching, all the best.